सुरैया ने जो भी फैसला लिया उसमें उसकी गलती कम तो मर्दों की ज्यादा है। जब इख्तियार और ऑप्शंस लिमिटेड हो जाए तो पहली अपॉर्चुनिटी ही लास्ट समझ के उसे अवेल कर लिया जाता है। मुझे अच्छा लग रहा है डेविड के तुम सुरैया की फिक्र कर रहे हो। चलो शुक्र है मैं कुछ तो अच्छा नजर। अब क्या होगा? क्या मतलब? मतलब क्या सुरैया का निकाह वाकई आमिर से कर देंगे? मैं दादाजी से बात करने की कोशिश करूंगा। उसे आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसे ये एक्सपीरियंस भी हासिल होना चाहिए। हो सकता है कि उसे अवैस और हामिद से ज्यादा अच्छा शख्स मिल जाए। जैसे तुम्हें जॉर्ज से बेहतर दाऊद मिला। कह सकते हैं तुम बहुत ऑनेस्ट हो रहे हो और मुझे लोगों में ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ ऑनेस्ट हो? अभी तक तो यही फील हुआ है, और कुछ फील होगा तो बता दूंगी। गायब हो तुम दोनों? आप नहीं? कुछ नहीं, बस एक जरूरी काम से गए थे। बेटा घर में भी जरूरी कामों की लाइन लगी पड़े, खासकर किचन में, उसका भी एहसास कर लो। हो जाएंगे सारे काम, आप फिक्र ना करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो सुरैया कहाँ है? सुरैया को बाद में मिल लेना, पहले जाके अपने दादा से मिलो, अपने अब्बा की खबर लो। दादाजी से मिल लूंगा लेकिन पहले मैं जरा सुरैया से मिलूं। तुम कहाँ जा रही हो? अब इकबाल की मदद नहीं करोगी? अरे वो सुबह से अकेली लगी हुई है और आज तो घर में इतने काम हैं कि क्या बता। रजिया इतना सारे काम नहीं होते जितना आप पैनिक क्रिएट कर देते हैं। चार लोग आ रहे हैं बस, और सात लोगों का खाना तो ऑलरेडी इस घर में बनता है और वो भी वेस्ट हो जाता है। क्या वो लोग ये खाना शेयर नहीं कर सकते हमारे साथ? फातिमा सुन लो अपनी बीवी की बातें, सुरैया का निकाह है आज हामिद के साथ, मामूली खाना नहीं बनेगा, दावत है घर में, जाओ जाकर इकबाल की मदद करो। अरे घर के कामों में हिस्सा नहीं लोगी तो कैसे सीखोगी? आगे चलकर तुम्ही को करना है ये सब। ऑनेस्टली मुझसे ही इतने हैवी ड्यूटी खाने नहीं बनते, बट कटिंग और चॉपिंग मैं कर सकती हूँ। और अगर सुरैया का निकाह हुआ नहीं तो खाना तो वेस्ट हो जाएगा। क्या फजूल बातें कर रही हो? क्यों निकाह नहीं होगा? जरूर होगा, सुरैया को कोई एतराज नहीं है, राजी है वो। और खबरदार जो तुमने उसके कानों में कोई ऐसी वैसी बात डाली तो। दाऊद समझा लो अपनी बीवी को।